हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स लैब। होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए दिल्ली के मुगलई दस्तरखान से बहुत ही चटपटी, मजेदार और फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो है चिकन चंगेजी। चिकन चंगेजी खाने में बहुत मजेदार होता है और इसको सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। पुरानी दिल्ली की खास रेसिपी है और इसको सभी जगह बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये जबरदस्त उम्दा सी रेसिपी, चिकन चंगेजी। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं चिकन को मैरिनेट। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन चंगेजी बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है धोकर। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए 1 teaspoon सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, 1 teaspoon डालूंगी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 teaspoon हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, 1 teaspoon इसमें ऐड कर देते हैं रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 teaspoon इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 teaspoon इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, जो भी कोई चाट मसाला आप यूज करते हैं वो डाल सकते हैं, और ये 1 lemon का जूस मैंने निकाल लिया है, ये इसमें डाल देंगे। देखिए व्यूअर्स, सारे स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जब भी आप कुछ भी बनाएं तो लहसुन अदरक का पेस्ट ताजा ही पीसिएगा, तो ताजे की बात ही कुछ होती है, उसकी खुशबू जो है ना वो अमेजिंग होती है, उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आप किसी चीज में, किसी मैरिनेशन में या कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, तो ताजा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर डालिएगा। सारे स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। इस तरह से हम पकड़ के कर देंगे। लेमन जूस जो हमने डाला है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए, और बाकी हम तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी की। हमारे चिकन इतने मैरिनेट हो रहा है, उस बीच हम कर लेते हैं प्याज और टमाटर फ्राई। ये देखिए, पहले इसमें पैन में 4 tablespoon के बराबर ऑयल डालेंगे और इसमें डालेंगे ये बटर। डायरेक्ट बटर पैन में नहीं डालना है, नहीं तो वो जल जाता है, इसलिए पहले ऑयल डालेंगे फिर बटर डालेंगे। ये देखिए, अब बटर को ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे, मेल्ट हो जाएगा ये। देखिए, ये मैंने 400 ग्राम प्याज ली है और उनको इस तरह रफली चॉप कर लिया है, तो ये हम डाल देंगे इसमें। देखिए, इसको हमें बस थोड़ा सा ही सॉफ्ट करना है, ट्रांसपेरेंट कर लेना है, और ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर ये चॉप किए हुए टमाटर। ये भी मैंने सेम क्वांटिटी ली है, 400 ग्राम प्याज ली थी और 400 ग्राम की टमाटर लिए हैं, तो इनको भी इसमें मिक्स कर देंगे। और इनको मिक्स करके इन्हें भी हमें सॉफ्ट कर लेना है, क्योंकि इसका एक हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है, तो इनको भी सॉफ्ट कर लेंगे प्याज के साथ डालकर। टमाटर भी अब सॉफ्ट होने लगे हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो गई है, बस हमें इतना ही करना है इसको। अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और फिर ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है, अब हम इन सारे पीसेस को इस पर रोस्ट कर लेंगे। ये सारे पीसेस हम लगा देंगे इस पर। देखिए, इसी तरह करके सारा मसाला भी लगाएंगे इस पर ही। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, जरूरत होगी तो और इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसी में सिक जाएगा। देखिए, लो फ्लेम पर हम सारे पीसेस को सेक लेंगे। जो मसाला हमारा बचा है वो भी हम इसी पर डाल देंगे, सारे मसाले हम इस पर डाल देंगे, मसाले से ही तो इसमें ज्यादा टेस्ट आएगा। ये देखिए, हम सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो चिकन है ना वो इसमें कुक भी हो जाएगा और प्लस सिक भी जाएगा, तो हमें ये इसी तरह से सेकना है। हमें
5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको फ्लिप कर देते हैं। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है इन पर, एक साइड से सिक चुके हैं, इनको भी फ्लिप करेंगे। जो पीस रह गए हैं उनको वापस रख देंगे ऐसे ही। ये देखिए ये सिक चुका है, इसको भी फ्लिप कर देते हैं, इसको भी फ्लिप कर देंगे, इसको भी फ्लिप कर देते हैं, एक एक करके सारे पीसेस को फ्लिप कर देंगे। देखिए व्यूअर्स सारे पीसेस अब सिक चुके हैं, ये देखिए बहुत अच्छा सा इन पर कलर भी आ गया है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इनको निकाल लेते हैं, कुक भी हो चुके हैं, सिक भी गए हैं, तो बस अब हमारा काम ये है कि अब हम इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और करेंगे ग्रेवी की तैयारी। देखिए व्यूअर्स ग्रेवी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, 4 टीस्पून के बराबर ये ऑयल है, और इसमें ऐड करेंगे ये बटर और दोनों को मिक्स कर देंगे। टू टीस्पून हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसकी जो रॉ फ्रेग्रेंस होती है ना वो निकल जाए, तो अच्छी तरह भूनेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 1 टीस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इन सब चीजों को डालकर चला देंगे। अनियन और टमाटोज का जो हमने पेस्ट तैयार किया है ये इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से चला देंगे। एकदम स्मूथ पेस्ट बना है और ये हम इसको मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। ये देखिए इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको लिड से कवर कर देंगे और ये जो बाउल में थोड़ा सा ग्रेवी लगी हुई थी उसमें मैंने पानी डालकर इसमें डाल दिया है, इसको मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। क्योंकि ये उछल रही है इसलिए मैं इसको लिड से कवर कर देती हूँ। देखिए व्यूअर्स एक कटोरी मैंने दही ली है, ये इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से बीट करके, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कर्ड को, ये देखिए। और ये मैंने इसमें इसलिए डाली है अभी ताकि ये जो हमने ग्रेवी बनाई है ना इसके साथ साथ ये कर्ड भी भुन जाए, ये सारी चीजें एक साथ भुन जाएंगी। वापिस से हम लिड से कवर करेंगे और इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स ये ग्रेवी हमने जो रखी थी ये भुन रही है। अब देखिए ऑयल भी ऊपर आता जा रहा है, बस हम इसको चलाते रहेंगे, यूं ही धीमी धीमी आंच में ये भुन जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स ये दूध की मलाई है, ये आप इस पर डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये हम यहीं पर डाल देंगे अभी ताकि इसके साथ भुन जाए और इससे इसका टेक्सचर और भी अच्छा हो जाएगा, क्रीमी क्रीमी। इसमें दही है, टमाटर है और मलाई है, तो यकीनन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। इसका ऑयल ऊपर आता जा रहा है, ये भुनने पर है, अभी हम फिलहाल इसको लिड से कवर कर देते हैं और भून लेते हैं इसको। अब इसको खोल कर देख लेते हैं, देखिए इसमें ग्रेवी ने अपना ऑयल भी रिलीज कर दिया है और बस हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे ये चिकन पीसेस, थोड़ी देर इसको चिकन पीसेस के साथ भी पकाएंगे। ये देखिए हम इसमें डाल देंगे ये सारे पीसेस, अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें हमें कसूरी मेथी ऐड करनी है और इसको अब मिक्स कर देंगे। क्योंकि ये अभी ग्रेवी बहुत थिक है और चिकन पीसेस भी हमारे 80% ही कुक हुए थे, 20% हमें अभी भी पकाने हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी आपको जैसी भी रखनी हो आप
कितना पानी डाल सकते हैं। देखिए मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऐसी ग्रेवी होनी चाहिए। अब इसको लो फ्लेम कर देंगे और लिड से कवर करके 10 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पका लेते हैं। अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। वाओ, जबरदस्त कलर आया है, जैसा कि चिकन चंगेजी का होता ही है। तो बस अब ये तैयार है। ये आपको मैं एक बार चेक करा देती हूँ। देखिए इसकी ग्रेवी एकदम ठीक हो गई है। ऐसी ही तो ग्रेवी हमें चाहिए, एकदम स्मूथ। गार्निश कर लेते हैं थोड़ा हरा धनिया डालकर। आप चाहें तो इस पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। वापिस हम इसको 5 मिनट के लिए लिड से कवर कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, तैयार है हमारा जबरदस्त सा चिकन चंगेजी। और चलिए अब इसको करते हैं डिश आउट। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते रहेंगे हम अपनी इसी तरह की मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग फ्लेवर्स लैब।